प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ पार्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे जिसमें ये 6 फॉर्मूला यूज होगा और मैं पिछले क्लास में आपको ये 6 फॉर्मूला को प्रूव करके दिखा दिया था। होप कि आपको वो कंसेप्ट समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और कुछ हम लोग फॉर्मेट पढ़ते हैं जिसमें कि यदि आपका उस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन रहेगा तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आइए हम लोग उस चीज को देखते हैं। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म डी एक्स बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और डी एक्स बाय अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यदि इस फॉर्मेट का रहे तो हम लोग ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, यानी कि इस चीज को बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पूर्ण वर्ग, इसको हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे और फिर इस फॉर्मूले पे हम लोग सॉल्व करेंगे। या यदि इस तरह से रहेगा तो इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म पी एक्स प्लस क्यू बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स या पी एक्स प्लस क्यू बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूट में यदि रहे, समझिए रूट में रहे, तो हम लोग पुट करेंगे, पुट पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू लेमडा इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस म्यू, और इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा फिर आपसे सवाल नहीं बने। तो बच्चों इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग एनसीईआरटी से एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एग्जांपल 8 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है सॉल्यूशन। नंबर 1 क्या कहता है, dx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 60। तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। और हम लोग प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं कि डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1 बाय 2 ए लॉग मोड एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए। और आप क्या कीजिए तो इसी फॉर्मूला पर आप इसको बैठा दीजिए, एक जगह पे 4 है तो आई बराबर 1 बाय 2 ए के जगह पे 4 लॉग मोड x माइनस ए यानी कि x माइनस 4 बाय x प्लस 4 और प्लस आपका हो गया c। कहने का मतलब है कि i इक्वल टू 1 बाय 8 लॉग मोड x माइनस 4 बाय x प्लस 4 प्लस सी हो गया और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, आइए अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, आई इक्वल टू डी एक्स बाय अंडर रूट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर।
तो आपको क्या करना है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, जो कि मैं अभी कुछ देर पहले यहाँ पे लिख रहा था। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो सबसे बड़ा पावर है एक्स स्क्वायर, उसका जो कोफिशियंट है उसको आपको पॉजिटिव बनाना है किसी भी हालत में। जैसे देखिए ये आपका निगेटिव है तो पहले आपको पॉजिटिव ही बनाना पड़ेगा, तो आप इसको इस प्रकार से कर दीजिए, डी एक्स बाय अंडर रूट माइनस कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स हो जाएगा, समझ गए। तो अब क्या कीजिए आप, परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, तो डी एक्स बाय अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स, वन से मल्टीप्लाई कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, फालतू के जोड़े हैं तो फालतू का घटा दीजिए, हाँ। और अब इसमें कुछ भी नहीं रह रहा तो आप इसको क्या कीजिए, तो रहने दीजिए। कहने का मतलब है कि i बराबर क्या हो गया, तो डी एक्स बाय अंडर रूट, ये आपका यहाँ से यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, यानी कि x माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस आपका हो गया वन स्क्वायर। और अब इस माइनस को आप तोड़ दीजिए, यानी कि माइनस को अंदर घुसा दीजिएगा, तो i बराबर आपका हो जाएगा डी एक्स बाय अंडर रूट, माइनस से गुना कीजिएगा कि आपका हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन डी एक्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए, यहां पर ए के जगह पर वन, तो आपका कितना हो जाएगा आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एक्स के जगह पे एक्स माइनस वन है, ए के जगह पे वन है प्लस सी, यानी कि साइन इनवर्स एक्स माइनस वन प्लस सी हो गया। और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर, ठीक है। पहले मैं मिला लेता हूं फिर मैं बोलूंगा कि यस वी आर राइट, तो बिल्कुल सही है बच्चों, दोनों ही आपका क्वेश्चन का आंसर सही है। आप इसे नोट कर लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 को बनाते हैं। इसमें तीन क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एक करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर वन, आई इक्वल टू है डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन, और आपको जो मैं यहां बताया था रूल वन और रूल टू, आपको किसी भी हालत में नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर आप कैसे बनाइएगा, तो ध्यान से देखिएगा, आई बराबर डी एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए, अब b के जगह क्या दीजिएगा ताकि 6x हो जाएगा, तो अभ्यास से बात है 3 देना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, आप फालतू का 3 स्क्वायर जोड़े हैं तो आप घटा दीजिए और प्लस फिर आपका हो गया 30, समझ गए। और अब देखिए यहां से यहां तक आपका a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि i इक्वल टू डी एक्स बाय x माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और देखिए तो ये तीन तीय नौ, तो 13 से 9 गया, तो 13 से 9 गया कितना हो गया 4, यानी कि प्लस 2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। और अब देखिए ये किस फॉर्मेट में आ गया, तो अब आपको फॉर्मूला यूज करना है इंटीग्रेशन डी एक्स बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वन बाय ए और टेन इनवर्स एक्स बाय ए होता है, तो आइए इसी फॉर्मूला के यूज कीजिए, तो आई बराबर कितना हो जाएगा वन बाय ए, ए के जगह पे टू है और टेन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स के जगह पर है एक्स माइनस थ्री और ए के जगह पर है टू, और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर, समझ गए। मैं इसे मिला लेता हूं क्योंकि दूसरा क्वेश्चन भी आपका
हाँ, दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा जाएगा तो यहां पर अट नहीं पाएगा, इसलिए पहले मैं आंसर को मिला लेता हूं। तो बिल्कुल सही है बच्चों। चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूं। आइए अब हम लोग सेकेंड नंबर को पढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है। आई इक्वल टू है डी एक्स बाय थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। तो अब इसे भी आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाइएगा, यहां पर देखिए डी एक्स बाय थ्री एक्स स्क्वायर है तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, रूट थ्री एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 ए। अब b की जगह आप क्या दीजिएगा ताकि आपका 13 हो जाए, तो पहले तो जो लाना है उसको लिख दीजिए। और अब देखिए तो क्या फालतू का है, तो 2 रूट 3 आपका फालतू का है, तो 2 रूट 3 से हम लोग भाग देते हैं। देखिए तो अब यदि 2 रूट 3 कैंसिल हो जाएगा तो 13x ही तो बचेगा। हाँ, और फिर क्या कीजिए बाबू, इस प्रकार से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि 13 बाय 2 रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फालतू का प्लस b स्क्वायर किए हैं तो माइनस कर दीजिए, माइनस 13 बाय 2 रूट 3 का होल स्क्वायर। और अभी भी आप एक चीज छोड़ रहे हैं, वो आपका है 10, तो आप लिख दीजिए माइनस 10। और अब देखिए तो अब ये सवाल आपका बन जाएगा। प्यारे बच्चों अब देखिए यहां से लेकर यहां तक आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। क्या परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो i इक्वल टू हो गया डी एक्स बाय रूट थ्री एक्स माइनस 13 बाय 2 रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस नहीं बल्कि यहां पर प्लस है तो आप प्लस दे दीजिए और इसको आप रफ में सॉल्व कर लीजिए। रफ में क्या सॉल्व कीजिएगा, तो दोनों नेगेटिव है, 13 13 1 6 9 बटे 3 और 2 2 4 4 3 12 माइनस आपका 10, बल्कि प्लस 10 है क्योंकि दोनों तो माइनस में है ना। तो अब देखिए तो कितना हो गया, 169 प्लस 120 बाय 12 यानी कि 9 6 और 2 8 2 बटे 12। और इस चीज को क्या करना है, समझ गए, इस चीज को आपको देखे तो ये कटेगा क्या, तो ये तो कटेगा नहीं, तो अब इसको आप इस प्रकार से लिख लीजिए। कैसे लिखिएगा, 289, तो 289 समझ गए, 289 17 का आपका स्क्वायर रूट होता है क्या, 17 का वर्ग, हाँ वर्ग होता है 17 का वर्ग ना, 289 बिल्कुल 17 का ही होता है, बटे 12 है तो 4 3 12 यानी कि 2 रूट 3 का आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं, समझिए 17 17 289, ठीक है, बिल्कुल आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो माइनस में आपका क्या हो गया, तो माइनस में आपका हो गया 17 बाय 2 रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक बच्चों। और अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे देखिए। थोड़ा सा मैं बाबू ब्राइटनेस को बढ़ा देता हूं, ठीक है, अब कही बिल्कुल सही है। और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कीजिएगा, तो इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर 1 बाय 2 ए लॉग मोड एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए, इसी को अप्लाई कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, i बराबर 1 बाय 2 a, a के जगह पर है 17 बटे 2 रूट 3 log mod x माइनस a, x के जगह पर है रूट 3 x प्लस 13 बटे 2 रूट 3 माइनस a, a के जगह पर 17 बटे 2 रूट 3, सेम चीज नीचे होगा बस यहां पर आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि रूट 3 x प्लस 13 बटे 2 रूट 3 प्लस 17 बटे 2 रूट 3 प्लस सी। अच्छा बच्चों एक चीज आप ध्यान में दीजिएगा,
कि x के कोफिशिएंट से आपको भाग देना पड़ता है, x का कोफिशिएंट रूट थ्री है, तो आप क्या कीजिए कि रूट थ्री से भाग दे दीजिए, यानी कि 1/√3 प्लस सी हो गया। और अब देखिए तो ये दो दो कैंसिल, तो i बराबर √3/17 log mod 2√3, आपके एलसीएम ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, तो मैं डायरेक्ट इसको कैंसिल कर देता हूँ, √3 × √3 3 × 6 यानी कि 6x प्लस 13 माइनस 17 बाय यहाँ पर भी वही हो जाएगा 6x प्लस 13 और प्लस 17 और ये रूट थ्री आपका है ना, तो उसको आप क्या कीजिए तो इस तरफ लेती आइए, समझ गए, ये 1/√3 है इसको हम लोग पहले लेती है और प्लस आपका हो गया सी। और अब आपका आंसर आ जाएगा, ये √3 √3 कैंसिल, आई बराबर 1/17 लॉग मोड 6x और माइनस 17 प्लस 13 तो 17 से 13 गया 4 माइनस 4 और नीचे आपका 6x प्लस 17 और 13 30 हो गया 30 प्लस सी। देखिए तो कुछ कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा और 2 कॉमन लेकर ये कट भी जाएगा तो काट देंगे हम लोग, आई इक्वल टू 1/17 लॉग मोड 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 3x माइनस 2 2 कॉमन तो आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस 50 प्लस सी, यानी कि आई बराबर 1/17 लॉग मोड 3x माइनस 2 बाय 3x प्लस 50 प्लस सी। और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर, ठीक है, पहले मैं एक बार मिला लेता हूं फिर मैं बोलूंगा कि यस वी आर राइट। तो अच्छा बाबू एक चीज और भी ध्यान में दीजिएगा, पहले मैं आंसर देख लेता हूं फिर मैं आपको बताऊंगा कि आंसर क्या है। तो आंसर इसका है 1/17 log mod 3x माइनस 2 बाय आपका, ठीक है हाँ, 3x प्लस 15 बिल्कुल ही आपका ठीक है। ठीक है बच्चों आंसर में आप हालांकि एनसीईआरटी के आंसर में क्या क्या है थोड़ा सा इसमें चेंज किया है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि उस चीज को चेंज नहीं कीजिएगा जो इसमें क्या है एनसीईआरटी बुक में। एक्चुअल में यहाँ पर क्या है कि ये 3 कॉमन लेकर लॉग का एक फॉर्मूला लगा दिया है जो कि हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है, उतना आपको नहीं करना है, बस यही सही है तो यही सही है, प्रभाकर सर बोल दिए तो बोल दिए। ठीक है बच्चों आइए इसको नोट कीजिए, आइए अब हम लोग थर्ड नंबर को पढ़ते हैं क्या कहता है, देखिए स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, ठीक है दिखेगा, थोड़ा सा मौसम खराब हो गया है। तो थर्ड नंबर है आपका आई इक्वल टू डी एक्स बाय अंडर रूट 5x² माइनस 2x, ठीक, क्या कीजिए परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना है। हालांकि एक चीज मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि ज्यादातर देखिएगा बुक में या ज्यादातर टीचर क्या करते हैं कि यहाँ पर x स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है ना इसको बाहर ले लेते हैं और x स्क्वायर के कोफिशियंट को यूनिटी बना देते हैं एक बना देते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम लगता है। चूंकि आप प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं इसीलिए प्रभाकर सर औरों से अलग बताएंगे ताकि आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, हाँ ये आपको बेनिफिट मिलेगा प्रभाकर सर के पास पढ़ने। तो देखिए आपको क्या करना है, तो रूट 5x का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a, a के जगह पे रूट 5x इंटू बी, अब b के जगह क्या दीजिएगा ताकि 2x ही आएगा, तो रूट 5 भालतू का है ना तो रूट 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए भाग के भाग दे दीजिएगा, देखिए कैंसिल हो जाएगा रूट 5 रूट 5 तो सिर्फ 2x बचेगा। तो देखिए बच्चों क्या हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/√5 का स्क्वायर, फालतू का जोड़े है तो फालतू का आप घटा दीजिए, माइनस 1/√5 का स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों और अब देखिए आपको क्या मिला,
आई बराबर यहां से लेकर यहां तक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, पूर्ण वर्ग, यानी कि डी एक्स बाय रूट फाइव एक्स माइनस वन बाय रूट फाइव का स्क्वायर, ये तो सब रूट में ही है, और माइनस आपका है वन बाय रूट फाइव का स्क्वायर। और इसमें देखिए अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो अब प्यारे बच्चों इसमें फॉर्मूला आपका ये वाला लगेगा, डी एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। इसी फॉर्मूला को यहां पर हम लोगों को अप्लाई करना है, तो कर दीजिए अप्लाई। तो I इक्वल टू लॉग मोड x, x के जगह पर आपका है रूट फाइव एक्स माइनस वन बाय रूट फाइव प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि सेम यही चीज उतार देना है, रूट फाइव एक्स माइनस वन बाय रूट फाइव का स्क्वायर माइनस वन बाय रूट फाइव का स्क्वायर, समझ गए बच्चों, प्लस c। लेकिन एक विशेष ध्यान में रखिएगा, समझ गए, एक आपको विशेष ध्यान में रखना है, शायद बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, अब ठीक है, थोड़ा सा मेरा चेहरा खराब हो गया लेकिन ज्यादा डार्क दिख रहा है, वेरी गुड। तो अब देखिए क्या हो गया बच्चों, कि आपको x के कोफिशिएंट से भाग देना है और x का कोफिशिएंट रूट फाइव है, इसीलिए आपको इससे क्या करना पड़ेगा, तो रूट फाइव से आपको भाग देना पड़ेगा। तो फाइनली देखिए तो i बराबर क्या हो गया, वन बाय रूट फाइव लॉग मॉड, ये आपका हो गया रूट फाइव माइनस एक्स बाय रूट फाइव, और प्यारे बच्चों जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो यही आ जाएगा जिसको लेकर आप आगे बढ़े थे, इसीलिए इसको सॉल्व आपको नहीं करना है, बस फाइनली यही वाला आप लिख दीजिएगा, यानी कि कितना हो गया फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर, समझ गए, यही आपका हो गया आंसर। बाबू एक चीज मैं फिर से बता दूं कि यदि यहां पर मैं 5 को कॉमन लेके बनाता जैसे कि और टीचर करते हैं या बुक में रहता है तो आंसर में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, समझ गए, फॉर्मेट में फर्क आता है। क्या बोले ध्यान से सुनिएगा, यदि 5 कॉमन लेकर बनाइएगा तो आंसर के फॉर्मेट में जरा सा फर्क हो जाता है, और यदि डायरेक्ट इस तरह से बनाइएगा तो आंसर कुछ अलग आ सकता है, लेकिन दोनों ही आंसर सही होता है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसी मेथड को फॉलो कीजिएगा। पहले मैं आंसर को मिला लेता हूं, देखता हूं आंसर क्या है। तो ये आंसर वन बाय रूट फाइव, ठीक है, लॉग, ठीक है, बिल्कुल सही, और 5, हाँ देखिए आंसर में फर्क आ गया है, समझ गए, आंसर में प्यारे बच्चों फर्क हो गया है। क्या फर्क हो गया है कि ये यहाँ पर जो 5 कॉमन मैं नहीं लेता हूँ और ये बुक 5 कॉमन लिया है, तो आंसर में जरा सा फर्क पड़ता है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी अपनी जगह पे बिल्कुल ही सही है और बुक भी अपनी जगह पे सही है। ठीक है बच्चों, इस चीज को मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि आप इस मेथड को फॉलो कीजिएगा, सवाल आपका जल्दी बनेगा। ठीक है, चलिए आइए इसको आप नोट कीजिए। आइए अब हम लोग एग्जांपल 10 पढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एक करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन वन नंबर, आई इक्वल टू एक्स प्लस टू बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव डी एक्स। तो याद कीजिए बच्चों कि जब मैं इस सेशन को शुरू किया था तो मैं यहां पर 2 फॉर्मेट लिखा था, उसी फॉर्मेट पे ये बनेगा। जब आपका ऊपर पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में रहेगा तो हम लोगों को ऊपर वाला पुट करना पड़ता है, और कैसे पुट करना पड़ता है इसका तरीका इस प्रकार से है, पुट x प्लस टू बराबर लैम्डा इंटू
डी बाय डी एक्स ऑफ नीचे वाला 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और प्लस म्यू, और अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए तो x प्लस 2 बराबर लैम्डा, 4x प्लस 6 प्लस म्यू, इसको हमेशा आप 1 मानिए, और अब देखिए तो क्या हुआ, x प्लस 2 4 लैम्डा x प्लस 6 लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है। और दोनों तरफ जो है कि x के समान घात के कोफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए, यानी कि इस प्रकार से, कैसे, यहां पर x के बाजू में 4 लैम्डा है तो 4 लैम्डा, और यहां पर x के बाजू में 1 है तो 1 हो गया, यहां पर कांस्टेंट है 6 लैम्डा प्लस म्यू, 6 लैम्डा प्लस म्यू, और यहां पर कांस्टेंट आपका है 2, ये आपका हो गया 2, तो लैम्डा इक्वल टू 1/4, और यहां पे बच्चों लैम्डा के जगह पे 1/4 प्लस म्यू इक्वल टू 2, ये आपका 3 और ये 2, तो म्यू इक्वल टू 2 माइनस 3/2, 2 दुनी 4, 4 से 3 गया 1, यानी कि 1/2, कहने का मतलब है कि लैम्डा 1/4 हो गया और म्यू आपका हो गया 1/2, और अब इसका वैल्यू आप रख लीजिए 1 में, तो 1 इंप्लाइज x प्लस 2 बराबर लैम्डा, लैम्डा के जगह पे 1/4, 4x प्लस 6 प्लस म्यू, म्यू के जगह पर आपका हो गया 1/2, समझ गए, म्यू के जगह पर आपका हो गया 1/2, ठीक है बच्चों। और अब क्या कीजिए कि अब लिखिए therefore i equal to x प्लस 2 के जगह आपको लिख देना है 1/4 4x प्लस 6 प्लस 1/2 बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और dx, और अब इस दोनों को आपको अलग अलग कर देना है, कैसे कीजिएगा, i इक्वल टू 1/4 4x प्लस 6 बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx प्लस 1/2 dx बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। और अब देखिए तो नीचे वाला पुट कीजिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, कैसे, नीचे वाला पुट करके डिफरेंशिएट कीजिए, 2x स्क्वायर का 4x, 6x का 6 हो जाएगा, 5 का 0, तो जिसको पुट करना है उसको लिखिए और उसी को आप d में घुसा दीजिए, तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा i इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन d में घुसा दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 हो गया, और यहां पर देखिए बच्चों 1/2, और अब इसको क्या करना है तो यहां पर आपको परफेक्ट स्क्वायर बना देना है, जो कि अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे, जिस मेथड से पढ़े थे हम लोग, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे तो रूट 2x है इंटू बी, बी के जगह पे क्या दीजिएगा ताकि 6 आ जाए, तो आपको 3/√2 देना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि √2 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 = 6, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि प्लस 3/√2 का होल स्क्वायर, प्लस किए तो माइनस भी कर लीजिए, और फिर यहां पर एक प्लस 5 आपका छूटा है, एक आप दे दीजिए प्लस 5, ठीक है बच्चों। और अब देखिए तो अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो ये किस फॉर्मेट के इंटीग्रेशन है, तो ये आपका है इस प्रकार से इंटीग्रेशन dx बाय x इक्वल टू log mod x, ठीक है, ये इसी फॉर्मेट का है, आज काफी वेस्ट, काफी जो है कि दिक्कत हो गया, रोशनी का काफी दिक्कत है बच्चों आज, तो देखिए तो आपका i बराबर क्या हो गया 1/4 log mod x, x के जगह पर है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और फिर प्लस 1/2 dx बाय, यहां से यहां तक आपका हो गया परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि √2x प्लस 3/√2
टू का होल स्क्वायर, और अब इसको सॉल्व कीजिए देखिए क्या मिलता है। तो ये प्लस फाइव है, माइनस थ्री, तीन की नौ बटे दो, नौ बटे दो, ठीक है। तो पांच दुना दस, एक बटे दो, यानी कि प्लस में वन बाय रूट टू का आपका हो गया स्क्वायर, समझ गए, प्लस में वन बाय रूट टू का स्क्वायर। और अब देखिए तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो यहां पर फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे ये डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। तो फाइनली यहां पर लिखते हैं प्यारे बच्चों, आई इक्वल टू वन बाय फोर लॉग मोड टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव प्लस वन बाय ए, ए के जगह पर है वन बाय रूट टू, इसके बाद आपका हो गया टेन वर्स एक्स बाय ए, एक्स आपका है रूट टू एक्स प्लस थ्री बाय रूट टू, और ए आपका है वन बाय रूट टू प्लस सी, ठीक है। और बस थोड़ा सा हम लोगों को लिखना है, ठीक है, तो थोड़ा सा लिखना है, तो मैं ऐसा करता हूं कि इस चीज को जो है ना, इस चीज को ये मिटा कर मैं लिख देता हूं, ठीक है बच्चों, ये मिटा कर मैं लिख देता हूं इस जगह पे। तो आइए देखिए क्या होगा, एक लाइन में आंसर इसको मैं लिख देता हूं, देखिए तो क्या मिलेगा, ये आप लिख लीजिए। अच्छा प्यारे बच्चों एक चीज गौर कीजिएगा कि x के कोफिशिएंट से आपको भाग देना होता है, तो यहां पर आप क्या कीजिए कि 1 बाय रूट टू प्लस सी कर लीजिए, क्योंकि x का कोफिशिएंट रूट टू है ना, तो रूट टू से आपको भाग देना पड़ेगा। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाय रूट टू ये और ये आपका कैंसिल भी हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, तो I बराबर बचेगा आपका 1 बाय 4 लॉग मोड 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और प्लस ये आपका क्या हो गया tan इनवर्स। यहां पर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूं, यहां पर भी रूट टू एलसीएम, नीचे में रूट टू एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो रूट टू इंटू रूट टू एक्स यानी कि 2x प्लस 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, तो tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर, समझ गए, यही आपका हो गया आंसर। मैं एक बार मिला लेता हूं आंसर को, ये तो आंसर आपका ये नहीं है, आंसर ये आपका नहीं है। अच्छा बाबू आंसर ये क्यों नहीं है, तो आपको मैं बता देता हूं, यहां पर 1 बाय 2 है ना जी, 1 बाय 2 आप यहां पे मिस कर रहे थे, ठीक है, आंसर मिल जाएगा, यानी कि 1 बाय 2 क्या हुआ कि ये 1 बाय 2 को मैं नहीं लिया था, यही 1 बाय 2 का अंतर आ रहा था। तो अब आपका हो गया I इक्वल टू 1 बाय 4 log mod 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बाय 1 बाय 2 tan वर्स 2x प्लस 3 प्लस c, बिल्कुल मिल गया आंसर। ये सिर्फ मैं 1 बाय 2 यहाँ पर नहीं लिख पाया था, तो उसी का अंतर आ रहा था, मैं दोबारा वेरीफाई किया, मुझे लगा कि ये मैं मिस किया हूँ, तो वापस मैं इसको लिख दिया हूँ, ठीक है बच्चों। आइए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम लोग दो नंबर पढ़ते हैं, क्या कहता है देखिए, तो ये फॉर्मेट आपका क्या है, ऊपर px plus q और नीचे है अंडर रूट ax square plus bx plus c,
शुरुआती दौर में मैं यहाँ पर दो आपको लिख दिया था फॉर्मेट, तो ये सेकेंड वाले फॉर्मेट पे। ऐसे केस में आपको ऊपर वाला पुट करना पड़ता है। कैसे पुट करते हैं आइए देखिए। पुट x प्लस थ्री बराबर लैम्डा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला, यानी कि 5 - 4x - x² प्लस म्यू। कहने का मतलब है x प्लस थ्री बराबर लैम्डा माइनस 4 - 2x प्लस म्यू आर, और इसको हमेशा आप वन नंबर ले लीजिए। और अब देखिए क्या कीजिएगा, तो x प्लस थ्री बराबर माइनस 2 λ x और फिर आपका हो गया माइनस 4 λ प्लस म्यू। ठीक है, माइनस 2 λ x माइनस 4 λ प्लस म्यू, और x के समान घात के कोफिशियंट को अलग अलग कर दीजिए। जैसे x पे पावर 1 है, माइनस 2 λ है, यहाँ पर x पे पावर 1 के बाजू में 1 है, यहाँ कॉन्स्टेंट माइनस 4 λ प्लस म्यू है, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट आपका है 3। ठीक है, और आइए अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ से लेमडा इक्वल टू माइनस हाफ, और इस जगह पे आप लेमडा का वैल्यू रख दीजिए, माइनस हाफ प्लस म्यू इक्वल टू 3, तो ये दोनों कट जाएगा दो बार में, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि 2 + μ = 3, तो म्यू इक्वल टू कितना हो गया, तो म्यू इक्वल टू आपका हो गया प्यारे बच्चों 1। समझिए, अब लिखिएगा therefore 1 = 1 implies x plus 3 equal to lambda, lambda आपका है minus 1/2 minus 4 - 2x, mu mu के जगह पर आपका हो गया 1। समझिए, mu के जगह पे क्या हो गया, तो mu के जगह पे 1। अब लिखिए therefore i equal to x plus 3 की जगह यही लिख दीजिए, माइनस 1/2 माइनस 4 - 2x प्लस 1 बाय अंडर रूट 5 - 4x माइनस x²dx। और अब आपको किसी भी हालत में इस दोनों को अलग अलग कर देना, तो अलग अलग कर दीजिए। कैसे अलग अलग कीजिएगा, यहां पर देखिए, तो i इक्वल टू माइनस हाफ बाहर माइनस 4 - 2x माइनस 4 - 2x बाय अंडर रूट कितना है, तो अंडर रूट 5 - 4x माइनस x²dx। फिर यहां पर बच्चों ये 1 बाय अंडर रूट 4x माइनस x² और आपका हो गया dx। और यहां पर कभी भी आप नीचे वाले को पुट कीजिएगा तो ऊपर वाला आएगा ही, वेरीफाई कर लीजिए। जैसे 5 का 0 माइनस 4x का -4 x - x² का -2x, यानी कि पुट करके डिफरेंशिएट करते हैं, तो जिसको पुट करते हैं उसको लिखिए और उसी को आप डी में घुसा दीजिए, यानी कि इस प्रकार से i इक्वल टू माइनस हाफ डी में घुसा दीजिए 5 - 4x - x² by under root 5 - 4x - x² plus, और यहाँ पर x² negative में है, तो आप क्या कीजिए कि minus common लेकर उसको positive बना लीजिए, तो x² plus 4x minus आपका हो गया 5। और ये कौन सा format हो गया प्यारे बच्चों, तो ये आपका format हो गया dx by root x, जिसका integration होता है 2√x। तो i इक्वल टू कितना, 1/2 इंटू 2√x, x के जगह पे 5 - 4x - x² प्लस dx बाय, यहां पर बड़ा बटा देना पड़ेगा माइनस, हाँ, और अब इसको आप बना लीजिए परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए a² प्लस 2ab, 2ab 2 × 4 तो हो गया, प्लस b² यानी कि 2² प्लस b² किए तो -b² करना पड़ेगा, और माइनस आपका 5 तो पहले से ही है, चलिए इतना में ही काम चल गया। ठीक है, तो फाइनली देखिए तो क्या हो गया, ये दो दो कैंसिल, i इक्वल टू अंडर रूट 5 - 4x - x² प्लस dx बाय
अंडर रूट माइनस ये यहां से यहां परफेक्ट स्क्वायर x प्लस टू का स्क्वायर माइनस दो दूनी चार और पांच आपका नौ यानी कि माइनस आपका हो गया थ्री स्क्वायर, समझ गया बाबू, माइनस थ्री स्क्वायर। और आप इस माइनस को अंदर घुसा दीजिएगा तो क्या बचेगा, i बराबर अंडर रूट फाइव माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स बाय अंडर रूट थ्री स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। और अब इसमें फॉर्मूला आपको लगाना है डी एक्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो अब देखिए लगा दीजिए साहब, अब बहुत जल्द ही बन जाएगा। तो आई इक्वल टू आपका हो गया अंडर रूट फाइव माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन वर्स एक्स बाय ए, एक्स के जगह पर है एक्स प्लस टू और ए के जगह पर है आपके पास थ्री और एक्स के कोफिशिएंट से भाग तो एक्स का कोफिशिएंट तो वन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस सी। और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर। पहले मैं एक बार मिला लेता हूं फिर मैं बोलूंगा कि यस वी आर राइट, तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये आपका साइन वर्स एक्स प्लस ठीक है और जो है और अच्छा एक चीज देखिए बाबू ये नेगेटिव था ना आप नेगेटिव छोड़ दिए थे तो ये आपका माइनस में आंसर आएगा, समझ गए आंसर किस में आएगा माइनस में क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था आप नेगेटिव छोड़ दिए थे, हालांकि गलती मेरी थी कि हमको नहीं छोड़ना चाहिए था हाँ, लेकिन चलिए इसको सिली मिस्टेक बोलते हैं, चलिए हो गया कोई बात नहीं। तो आप इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों और इसके बेस पे आपका कंप्लीट एक्सरसाइज जो 7.4 है समझ गए 7.4 ये आपका कंप्लीट एक्सरसाइज आपसे बन जाना चाहिए। 25 इसमें सवाल है 2500 सवाल आपसे बन जाना चाहिए, हालांकि मैं एक एक करके आपको बता दूंगा ठीक है बच्चों, आइए आप इसको नोट कर लीजिए।